हाय गाइज, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका एक नोट्स लाई हूँ, जिसका नाम है POA प्लान ऑफ एक्शन 1992। इसको रिव्यू कमिटी या पुनर्समीक्षा समितियाँ भी बोला जाता है। इसको जनार्दन रेड्डी 1992 कमिटी भी बोला जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन, ये कुछ ज्यादा ही लंबा टॉपिक था, इसमें लगभग जितना पॉइंट्स आना चाहिए मैं सब लिखी हूँ। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग में लिखना चाहें। तो इसका इंट्रोडक्शन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक 5 वर्ष इस नीति के एजुकेशन और उसके रिजल्ट्स की रिव्यू की जाएगी। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो भी नीति है उसका क्या हो जाए, क्या जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। इसी मध्य सेंटर में, मतलब इसी काल में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गई। इस सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु रामामूर्ति समिति, समीक्षा समिति 1990 का फॉर्मेशन किया। पर इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार प्रारंभ होने से पूर्व ही केंद्र में पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई। हम लोग जानते हैं कि जो भी को सरकार के सेंटर में होती है, फिर उसका कहीं ना कहीं हर सेक्टर पे वो इफेक्ट पड़ता है। इस समिति के प्रतिवेदन के बाद क्या हुआ, उसके बाद ही केंद्र में मतलब कांग्रेस की सरकार बन गई। और इस सरकार ने 1992 में इस नीति के एग्जीक्यूशन, मतलब लागू होने में एवं रिजल्ट की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए और इसे मॉडिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से पब्लिश किया। इस सरकार ने 1992 में ही इस कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन में भी कुछ चेंजेज कर दिए। यह चेंजेज प्लान ऑफ एक्शन 1992 कहलाती है। इस कार्य योजना को 23 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो कि निम्न है। मुझे लगता है मैं सारे पॉइंट्स इसमें लिखी हुई। ये जो टॉपिक है ये आपके एमएड के लिए भी हेल्पफुल है। नारी के लिए समान शिक्षा, नारी समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर वोमेन इक्वालिटी। दैट टाइम लिटरेसी रेट ऑफ वोमेन, उस वक्त जो था वोमेन का लिटरेसी रेट 39.42% और मेल का था 63.86%, इतना गैप था। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समय और सबल और सशक्त होंगी। महिलाओं से रिलेटेड स्टडी को डिफरेंट करिकुलम के भाग के रूप में इनकरेज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके। यह बराबरी सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है। ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में। अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना। जिला केंद्रों पर एससीज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी क्रमिक रूप से बढ़ाना। स्कूल भवनों, बाल बाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था इत्यादि उसमें शामिल था। अनुसूचित जाति जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे, उसमें जो भी पॉइंट्स मेन था यहाँ पे लिखे। आदिवासी इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स खोलने के लिए के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन एरियाज में स्कूल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का कार्य, शिक्षा के बजट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस गारंटी प्रोग्राम, SC/ST वेलफेयर स्कीम्स आदि के अंतर्गत प्रायोरिटी के बेस पर हाथ में लिया जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन
करिकुलम फॉर्मेशन के वक्त उनके लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाएगा। पढ़े लिखे मेरिटोरियस आदिवासी यूथ्स को ट्रेनिंग देकर अपने एरिया में ही टीचर बनाने के लिए इनकरेज किया जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक वर्ग तालीमी दौर में काफी पिछड़े और डिप्राइव्ड हैं, मतलब वंचित हैं। सामाजिक जस्टिस और इक्वालिटी का तकाजा है कि ऐसे वर्गों को तालीम पर पूरा अटेंशन दिया जाए। ऐसे वर्गों का कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें अपनी लैंग्वेज और कल्चर की हिफाजत करने तथा अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने और उन्हें रन कराने के जो राइट दिए गए हैं वे भी इसमें शामिल है। सामान्य केंद्रिक शिक्षा क्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के बेस पर यूनिटी को हाई मतलब बढ़ावा देने के लिए सभी पॉसिबल प्रयास किए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है विकलांग की शिक्षा, जो एजुकेशन फॉर हैंडीकैप। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से हैंडीकैप्ट को एजुकेशन देने देने का ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि वे सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीकों से प्रोग्रेस हो और वे पूरे ट्रस्ट और डेयर के साथ जिंदगी जिए। इसके लिए कुछ उपाय निम्न है। विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो। सीवियर हैंडीकैप बच्चों के लिए हॉस्टल वाले स्पेशल स्कूल्स की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाए जाएंगे। हैंडीकैप्ट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की जाएगी की पर्याप्त अरेंजमेंट की जाएगी। हैंडीकैप्ट के एजुकेशन के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव इनकरेज किया जाएगा। फिर है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। हमारे एंशियंट स्क्रिप्ट से प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है सा विद्या विमुक्ते, शिक्षा वह जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को रीडिंग राइटिंग तो आना ही चाहिए, इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अधिक है। विभिन्न सिस्टम्स और मीडियम्स का यूज करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक ब्रॉड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके प्रोग्राम निम्नलिखित हैं। रूरल एरियाज को सतत शिक्षा सेंटर्स की स्थापना, एरियाज में सतत शिक्षा सेंटर्स की स्थापना नियोजकों, मजदूर संगठनों और संबंधित एजेंसीज के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा, उच्च शिक्षा की संस्था द्वारा सतत शिक्षा, स्वाध्याय और स्वयं शिक्षण में सहायता की व्यवस्था, आवश्यकता और रुचि पर आधारित प्रशिक्षण। फिर अगला पॉइंट पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, इसके अंतर्गत ये सारे सेंटेंसेज हैं। अगर मैं सारे पॉइंट्स को पढ़ूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर मुझे दिक्कत होगी अपलोड करने में, तो आप लोग बाकी पॉइंट्स को देख लीजिए खुद ही। थोड़ा बहुत कहीं सेंटेंस का मिस्टेक हो सकता है तो आप वो सुधार कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं मतलब इस नोट्स में मैं सारे पॉइंट्स को कवर की हूँ, आप लोग को जितना लिखने का होगा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता कि मेन एग्जाम में आपके स्पीड क्या है और आप कितना लिख पा रहे हैं। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज फिर भी आ जाता है बट सब्सक्राइब ही नहीं हो पा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं चैनल को। और भी सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूंगी, थोड़ा समय का स्कार्सिटी रहता है मेरे पास।
मुझे उम्मीद है कि जो भी नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोग को काफी हेल्प मिलेगी इससे। ट्वेंटी थ्री पॉइंट्स का ऊपर मैं जिक्र की थी और 23 पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब की हूँ। आप लोग जितना लिख पाइएगा उतना आप लोग लिखिएगा। निष्कर्ष भी है और बाकायदा मेरा नोट्स जो है सब चेक किया हुआ है, क्योंकि जहाँ से मैं बीएड की हूँ वहाँ पे सर पढ़ाने टॉपिक खत्म करने के बाद सारे बोलते थे कि आप लोग नोट्स तैयार कीजिए और मैं इसे चेक कर लूँगा। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।